The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, सबसे पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसके वीडियो शेयर करें ताकि लोगों की जानकारी बढ़ सकें, क्योंकि यहाँ दी गई जानकारी किसी एक डॉक्टर का ओपिनियन नहीं है। हर डॉक्टर के अपने अपने सोच हो सकती है, ओपिनियन हो सकता है, इसलिए हम वीडियो बनाते हैं दुनिया भर के रिसर्च कंसाइज होके जो रिकमेंडेशंस निकल के आते हैं, राइट, उन रिकमेंडेशंस पे हम वीडियो बनाते हैं। और आज की वीडियो होगी अल्फ अल्फा। अल्फ अल्फा एक हर्ब है, एक नेचुरल प्लांट है जिसका एक जिसके लीव्स, जिसके उस लीव के सीड्स, उसके पौधे के सीड्स और उसके स्प्राउट्स का इस्तेमाल किया जाता है दवाइयों बनाने में। अब अल्फ अल्फा जो है किडनी के लिए, ब्लैडर के लिए, प्रोस्ट्रेट के कम कंडीशंस बीमारियों में इस्तेमाल ज़्यादा होता है और ये पेशाब का फ्लो बढ़ाने के लिए इस्तेमाल नोन है ज़्यादा। और यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल, अस्थमा, आर्थराइटिस जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, शुगर, पेट खराब हो, कोई ब्लीडिंग कंडीशन हो, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपुरा, ऐसे कंडीशंस में भी इसका इस्तेमाल होता है। अल्फा अल्फा जो है एक अच्छा सोर्स है, इसके अंदर विटामिन ए, सी, विटामिन ई, के फोर मिनरल्स हैं जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फरस और आयरन। सो ये सारी चीज़ें सोचने वाली हैं। अब ये सारी चीज़ों में कितना इफ़ेक्टिव है, ये रिसर्च क्या बोलती है और कितने हमारे पास में इसके प्रूफ हैं उसको समझ लेते हैं। नेचुरल मेडिसिन कॉम्प्रहेंसिव डेटाबेस इसके इफ़ेक्टिवनेस को दो तरीके से इफ़ेक्टिव मानती हैं, या तो हमारे पास एविडेंस सफिशिएंट है या इनसफिशिएंट है। इन सब अगर एविडेंस सफिशिएंट है तो हम इसे एज अ ट्रीटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तक हमारे पास में जो एविडेंस है वो इनसफिशिएंट है, यानी कि रिसर्च बहुत ज़्यादा इस पर नहीं हुई है। इफ़ेक्टिवनेस की रेटिंग जो होती है, जहाँ तक कोलेस्ट्रॉल के कंडीशन के लिए है, तो कुछ रिसर्चेस में बिल्कुल ये देखा गया है कि अल्फाल्फा के सीड्स जो हैं वो टोटल कोलेस्ट्रॉल और साथ ही बैड कोलेस्ट्रॉल जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करने में मदद करता है और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है। तो बिल्कुल देखने से तो ये लग रहा है, लेकिन बाकी सारी किडनी, ब्लैडर, प्रोस्टेट, अस्थमा, आर्थराइटिस, डायबिटीज, स्टमक, उन सारी के लिए अभी एविडेंस उतना नहीं है कि हम इसे प्रूफ बोल सके। बट यस, लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, लोगों को बेनिफिट मिलता है। सो क्या सेकंड सवाल आता है, क्या आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं अब? और थर्ड सवाल आता है सेफ्टी का, और साथ ही क्या ये कैसे काम करता है, इस सवाल का। सो जब इसके काम कैसे करता है, तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में इसका काम देखा गया है कि कोलेस्ट्रॉल को ये एब्जॉर्ब ही नहीं होने देता, आपके पेट से एब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो अंदर शरीर में जाएगा। सो एब्जॉर्प्शन को रोकता है, ऐसा देखा गया है, ऐसा माना जाता है। और सेफ्टी कंसर्न्स में ज़्यादातर केसेस में ये सेफ माना जाता है, लेकिन इसको लंबे समय तक इस्तेमाल करने की लिए मना किया गया। बहुत लंबे समय तक नहीं यूज़ करें, बिकॉज इसके उस लंबे समय तक लेने में अनसेफ हो सकता है, बिकॉज इसके अंदर कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, कई सारे कंटेंट्स हैं जो कई बार ओवरडोज कर सकते हैं, दवाई जैसा इस्तेमाल करें। अब इसके सीड्स जो हैं कुछ केसेस में रिएक्शन कर सकते हैं, जैसे कि ऑटो इम्यून डिजीज, ल्यूपस एरिथ्रोमैटोसिस, जैसे कि अगर आपको लाल लाल रैशेज आ सकते हैं कुछ केसेस में, बहुत ही कुछ केसेस। अब ये एक और चीज़ देखी गई है कि कुछ लोगों में अल्फाल्फा खाने से उनकी स्किन जो है लाइट से, सन से, धूप से ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। तो अगर आप अल्फाल्फा ले रहे हैं तो फिर आप सन ब्लॉक का इस्तेमाल ज़रूर करें, अगर आप बाहर जा रहे हैं और अगर आप लाइट स्किन वाले हैं,
वाइट कलर की है, वाइटिश कलर की स्किन है, ब्राउन है, ब्लैक है, तो फिर आपके पास मेलेनिन का पिगमेंट अच्छा खासा है. हमने आपको स्किन वाले जो स्किन केयर, यूवी लाइट, उसके उस सेगमेंट में बहुत कुछ समझाया है इस बारे में मेलेनिन. उस केस में आप वो वीडियोज जाके देख सकते हैं. फिर सवाल आता है कि प्रेग्नेंट लोग ले सकते हैं क्या? देखिए, प्रेगनेंसी में लार्ज अमाउंट में अल्फाल्फा लेने को अनपॉसिबली अनसेफ माना गया है. अभी इस पे पक्का एविडेंस नहीं है, लेकिन एक चीज़ है, कुछ एविडेंस है कि अल्फाल्फा जो है ये जो फीमेल हार्मोन है ईस्ट्रोजन के जैसा एक्ट करता है. सम एविडेंस इज देयर, अभी हम पक्के श्योर नहीं है, अभी साइंस इस पे रिसर्च कर रही है. सो इस वजह से ये प्रेगनेंसी को अफेक्ट कर सकता है, हॉर्मोन्स के इम्बैलेंस कर सकता है अगर आप ईस्ट्रोजन ज्यादा ले रहे हैं, है ना. ऑटो इम्यून डिजीजेज अगर आपको ऑलरेडी है, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस या SLE या रूमेटॉइड आर्थराइटिस या ऐसी कोई अलग कंडीशन, तो अल्फाल्फा आपके इम्यून सिस्टम को और एक्टिवेट कर सकता है. तो ऐसे केस में आपकी बीमारियां बढ़ सकती हैं, सिम्टम बढ़ सकते हैं. ऐसे के दो केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं SLE के पेशेंट जिनके डिजीजेस जो हैं फ्लेयर अप हो गए थे अल्फाल्फा सीड्स लंबे समय लेने के बाद. सो अगर आपको ऑटो इम्यून डिजीज है तो इट इज बेस्ट टू अवॉइड अल्फाल्फा अंटिल एंड अनलेस इस पे पूरा रिसर्च हो जाए. फिर कुछ और कंडीशंस, बिकॉज ऑब्वियसली ये ऑटो इम्यून डिजीजेस को अफेक्ट करता है, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है और साथ ही हार्मोनल इफेक्ट करता है. तो हार्मोनल कंडीशन जैसे ब्रेस्ट कैंसर, यूट्राइन कैंसर, ओवरिन कैंसर, एंडोमेट्रोसिस या यूट्राइन फाइब्रॉइड वाला केस है, तो उस पर भी फीमेल हार्मोन ईस्ट्रोजन वाला इफेक्ट अल्फाल्फा दे सकता है. तो अगर आपको ये कंडीशन है तो फिर भी आपकी कंडीशन को अल्फाल्फा से वो कंडीशन और बिगड़ सकती है, बिकॉज ये सारे कैंसर्स और सारे ये प्रॉब्लम्स ईस्ट्रोजन से और बढ़ सकते हैं. डायबिटीज अगर आपको है तो अल्फाल्फा आपके शुगर लेवल कम कर सकता है. सो अगर आप अल्फाल्फा ले रहे हैं, शुगर की दवा ले रहे हैं, तो शुगर चेक करें कहीं लो ना हो जाए, है ना. किडनी ट्रांसप्लांट केसेस में अगर अल्फाल्फा लेते हैं तो अल्फाल्फा के वजह से एक केस ऐसा आया था जिसमें इम्यून सिस्टम को अल्फाल्फा ने बूस्ट कर देता है. और जो किडनी ट्रांसप्लांट केसेस में कई बार, क्योंकि हम नया ऑर्गन किसी को लगाते हैं तो एंटी रिजेक्शन दवाइयां देते हैं, तो उसके इफेक्ट को कम कर देता है. सो किडनी ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट्स भी इसको ना इस्तेमाल करें. क्या इसमें कोई दवाइयों के साथ रिएक्शन हो सकता है? हो सकता है. खून पतला करने की एक दवा होती है वॉरफरीन. हर खून पतला करने की दवा की बात नहीं कर रहे हैं, इकोस्प्रिन की बात नहीं कर रहे हैं. अल्फाल्फा के अंदर वाइटामिन के ज्यादा मात्रा में है और विटामिन के जो है आपके शरीर में हेल्प करता है क्लॉट बनाने के लिए. और जो पेशेंट्स में हम खून पतला कर रहे हैं किसी भी प्रकार से, उन खून पतला करने वाले पेशेंट्स के केस में विटामिन के अगर बहुत ज्यादा मात्रा में बहुत लंबे समय तक लेते हैं तो उस खून पतला करने के उद्देश्य को या जो वॉरफरीन वाली दवा के इफेक्ट को, डाइक्यूमरीन वाली दवाई के इफेक्ट को कम कर सकता है. तो खून जितना पतला चाहिए उससे कम पतला हो सकता है. तो हो सकता है आपको खून पतला करने की दवा का डोज चेंज करना पड़े, तो आप अपना PT INR जो है वो चेक कराएं अगर आप इन दवाओं पर है और अल्फाल्फा लेते हैं. अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल्स लेते हैं तो उसके साथ भी कॉम्बिनेशन ना करें, बिकॉज बर्थ कंट्रोल पिल्स में भी ईस्ट्रोजन है, इसमें भी ईस्ट्रोजन का इफेक्ट है. तो फिर दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग ईस्ट्रोजन जैसे इफेक्ट देंगे और हार्मोनल इम्बैलेंस ज्यादा बढ़ जाएगा. तो बर्थ कंट्रोल पिल आपके का इफेक्टिवनेस जो है वो कम हो जाएगी, बिकॉज बर्थ कंट्रोल पिल में एडिशनल हार्मोनल इम्बैलेंस आ जाएगा. ऐसा है, ठीक है. और ईस्ट्रोजन अगर आप ऑलरेडी ले रहे हो तो लार्ज अमाउंट ऑफ अल्फाल्फा कैन हैव सेम इफेक्ट एज ईस्ट्रोजन. सो मेल्स के लिए भी सोचने वाली बात है. और जो लोग ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे है उन लोगों के लिए भी वो डोसेज बढ़ जाएगा. सो एंटी डायबिटिक मेडिसिन पे हो या इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन पे हो या अगर आप किसी प्रकार के हाई सेंसिटिविटी है आपको सन से, तो भी आपको ये अवॉइड करना चाहिए. और कुछ और हर्ब्स हैं जैसे कि आयरन. आयरन का एब्जॉर्प्शन भी अल्फाल्फा कम कर देता है. विटामिन ई के भी
बॉडी जो विटामिन ई को लेती है और उसका इस्तेमाल करती है, उसको भी उसमें भी अल्फाल्फा इंटरफियर करते हुए देखा गया है। तो ये सारा चीज़ रिसर्च के थ्रू जो हमारे पास में जितने सबूत हैं, जितने पक्के तौर पर जो साइंस बोलता है, साइंटिफिक रिसर्च बोलती है, वो आपको बता रहे हैं। अच्छा, ये लेते कैसे हैं, टिपिकल डोज क्या है इसका? तो कोलेस्ट्रॉल के लिए 5 से 10 ग्राम हर्ब टिपिकल डोज लिया जाता है, या फिर इसकी चाय होती है, स्टीप स्ट्रेन टी ली जाती है, चाय पी जाती है दिन में 3 बार, या फिर हर्ब लिक्विड एक्सट्रैक्ट आता है, 5 से 10 ml लिक्विड एक्सट्रैक्ट लिया जाता है दिन में 3 बार, इस तरह से वो लेते हैं, राइट। और इसके बारे में अभी और रिसर्च चल रहे हैं, आगे अगर इसमें रिसर्च आता है, कोई नया ब्रेक थ्रू होता है, तो हम वीडियो ज़रूर इसके ऊपर बनाएंगे। ऐसे ही हर हर्ब के ऊपर, हर सप्लीमेंट के ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं, ताकि आपको ये नॉलेज मिल सके कि उसका एक्शन कैसा है, साइड इफ़ेक्ट कैसा है, अभी तक साइंस ने क्या तरक्की की है, क्या चीज़ें प्रूफ करी हैं, और क्या सच है, क्या गलत है, कितना सेफ़ कितना नहीं। तो इस चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब करके सारे के सारे वीडियोस के लिए ज़रूर इसके नोटिफिकेशन ऑन रखें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इस तरीके की नॉलेज का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच, दिस इज़ डॉक्टर परमजीत। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।